निगम भिलाई में नियमितीकरण नहीं कराने वाले लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए नेहरूनगर जिला के में कई छोटे बड़े दुकानों को नियमितीकरण नहीं कराने के कारण कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया। निगम भिलाई द्वारा लगातार क्षेत्र में रह रहे वासियों से अपील की जा रही थी कि अवैध निर्माण और अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण कराकर अपनी संपत्ति को अवैध से वैध बना लें और कई क्षेत्रों में इसके लिए बाकायदा नोटिस भी भेजे गए थे। बावजूद इसके लोगों ने अपनी लापरवाही का परिचय देते हुए नियमितीकरण नहीं कराया, जिसके एवज में भिलाई निगम ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई की शुरुआत करते हुए नेहरू नगर इलाके के कई छोटे बड़े प्रतिष्ठानों को ताला जड़कर सील कर दिया। कुछ दुकानदारों ने इस कार्रवाई में अपनी सहभागिता दी तो वहीं कुछ दुकानदार निगम की टीम से कार्रवाई को गलत बताते हुए भिड़ गए। आपका सब तैयार है ना, आवेदन तो जमा करो तो भाई, तो वो लेंगे ना, आज नहीं होगा कल लगा देना, कल फिर थोड़ी आएंगे भी, हमारा तो पूरा शेड्यूल बना हुआ है ना, शेड्यूल सबके लिए रहता है ना, कल दूसरी जगह की कार्रवाई है, दूसरे जगह जाएंगे लिए नहीं रहता है ना, हमने पिछली बार भी यहाँ दिया था, नियम बदल रहे बार बार, अरे एक बार लगाए थे कलेक्टर ने रिजेक्ट किया है ना, एक बार नियमितीकरण हो चुका है, दोबारा नहीं करेंगे। अरे तो सब चीज पहले तैयार है, अगला फिर भी सुन नहीं रहे लोग, आप माहौल बना रहे हैं सब चीज के लिए तैयार हैं, आप पेपर में छपाना चाहते हो कि जो नियमितीकरण नहीं कराएगा उसकी दुकान माहौल बना रहे हो और कुछ नहीं है। निगम भिलाई द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान की जानकारी देते हुए नगरपालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने यह साफ कर दिया है कि जिन्होंने नियमितीकरण नहीं कराया है उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार रहने की जरूरत है। भिलाई निगम एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है कि लोग अपने अवैध निर्माण को वैध बना लें, इसके बावजूद भी जिन्होंने नियमितीकरण नहीं कराया है उन पर कार्रवाई निश्चित है। देखिए, अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण जो है कराना अनिवार्य है और इसके दायरे में जो लोग आते हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लिया है और जो आवासीय जिनको भवन अनुज्ञा मिले हैं उन्होंने व्यावसायिक संचालन कर लिया है और भवन अनुज्ञा जो प्राप्त नहीं किए, इस प्रकार के जो अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आते हैं और जिन्होंने नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है उनकी दुकानें जो है वो सील करने की कार्रवाई निगम प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अभी तक जो है 3 दुकानें सील हो चुकी हैं और आगे भी जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। भिलाई निगम क्षेत्र के रहवासियों को निगम भिलाई द्वारा दिए जा रहे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की जरूरत है, जिससे आने वाले समय में उन्हें ऐसी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।